नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इस बार जैसे हम लोग आजकल अक्सर करते हैं, सिर्फ मेरी नजर नहीं रहती है, मेरे साथ किसी और की भी नजर रहती है। और आज मेरे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार देवशीष मुखर्जी रहेंगे, और जिसको हम लोग पत्रकारिता के भाषा में बोलते हैं कि न्यूज पॉइंट है, उनकी नई किताब, किताब का नाम है द डिसरप्टर्स। और जैसे कि तस्वीर में दिख रही है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की है, जिनको इन्होंने डिसरप्टर कहा है, और ये किताब इनकी अभी हाल में ही आई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को द डिसरप्टर क्यों कहा है वो तो देवशीष मुखर्जी समझाएंगे और विस्तार से। मेरे हिसाब से इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा डिसरप्शन कॉज किया कि जिसके अभी भी हमको पश्चिम अभी भी दिखाई दे रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक बीचों बीच में हैं, दो फेजेस के चुनाव हो गए हैं, बाकी और हो रहे होंगे। जब तक आप ये कार्यक्रम देखेंगे तो शायद तीसरे फेज में भी वोटर मतदान या तो दे रहे होंगे या दे चुके होंगे। एक बहुत ही अपसर्ज देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर कदम पे हमको विश्वनाथ प्रताप सिंह के पदचिन इस चुनाव के कैंपेन के दौरान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक सामाजिक कोलिशन बनाया था वो फिर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पुराना जो फॉल्ट लाइन था उनकी राजनीति में, उनके जो लगातार जो प्रोग्रेस हो रही थी मंडल और कमंडल, यानी कि हिंदुत्व को काटने के लिए जातीय जो फिसर्स होते हैं, जो विभाजन होते हैं, वो उभर के आते हैं, तो वही हमको फिर से देखने को मिलता है। तो देवशीष जी, आज मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और मुझे आपको सबसे पहले तो बधाई देनी है आपकी एक बहुत ही मार्मिक और डिटेल्ड बायोग्राफी के बारे में। इसका समीक्षा मैंने भी किया है, और मुझे हाल के बायोग्राफीज में ये बहुत ही डिटेल्ड और इनडेप्थ लगा। जैसा मैं कह रहा था अपने इंट्रोडक्शन में, हम आज बात कर रहे हैं, एक तो आपकी किताब आई और दूसरा और कॉन्टेक्स्चुअल हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीच में एक तरह से हमको पूरी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह का इम्प्रिंट इस पूरे कैंपेन में दिखाई दे रहा है। जो इशू को उन्होंने भारतीय राजनीति में इंट्रोड्यूस किया था, मंडल कमीशन के अवार्ड को अनाउंस करके, जो बहुत समय से मंडल कमीशन का जो फैसला था उसको कोई पहले की सरकारें नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद से ये कांस्टेंट डिवीजन लाइन रहा है कि हिंदू एकीकरण, जो हिंदू यूनिटी की कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो टूटती रहती है, क्योंकि हिंदू समाज में एक बेसिक डिस्कॉर्डेंस है, एक बेसिक डाइवर्जेंस है जातीय आधार। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की रेलेवेंस बहुत एम्फेटिकली फिर साबित हो रही है हिंदुस्तान की राजनीति में? पहले तो नीलंजन जी, मैं भी बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया आपके बहुत ही चर्चित शो पर। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में अगर कहना है तो एक स्पेशल रेलेवेंस अब हो रही है यूपी असेंबली चुनाव के वजह से। ये बात सही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब से मंडल आयोग के रिकमेंडेशंस लागू किए, ये मंडल सॉर्ट ऑफ एक डिफॉल्ट पोजीशन हो गया है, डिफॉल्ट मोड हो गया है भारतीय चुनाव में। और कभी कभार मतलब जब ये भाजपा के हिंदू एकीकरण के लिए इमोशनल इश्यूज लाते हैं तो इससे ये डिस्टर्ब होती है, और स्थानीय मुद्दे से भी ये कभी कभी बदल जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से डिफॉल्ट मोड अभी ये मंडल ही हो गई है कि मतलब जातीय आइडेंटिटी से लोग अपना चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार 2017 में काफी सफल हुए बीजेपी हिंदू एकीकरण करने की
जो उनका जी एफर्ट है उसमें, और इस बार उतना सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो 5 साल से जो राज कर रहे हैं वहां, तो ऑटोमेटिकली वो हिंदू फीलिंग उतना उतना नहीं है जैसे पिछली बार थी, और इसलिए मंडल का इम्पोर्टेंस इस चुनाव में 2017 के मुताबिक काफी ज्यादा होगा जी मंडल का भी, और स्थानीय मुद्दे और सरकार की परफॉर्मेंस, ये सब बातें और ज्यादा उभर कर आएगी जैसे पिछले चुनाव के मुकाबले, जी यही देवाशीष मुझे जी, लगता है। जी देवाशीष जी, एक चीज जो मुझे पता है कि मतलब आप उत्तर प्रदेश के बारे में यू हैव बीन राइटिंग फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव हैड अ फेयरली ग्रैनुलर लुक एट द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यू नो देयर इज वन फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच आई एम अनेबल टू आंसर, बट वी हैव सीन दैट द भारतीय जनता पार्टी हैविंग अ वेरी emphatic performance in three successive elections in Uttar Pradesh, in 2014 for the Lok Sabha elections, 2017 assembly elections, and again in 2019 for the Lok Sabha elections. In this entire over three elections, the Bharatiya Janata Party was able to establish a vote share of anything between 40% to 50%. You know, I'm just speaking in very approximate terms, you know, such a massive vote share, you know, almost about 50% of the total vote share. What is it that worked in BJP's favor in 2019 or earlier in 2017 and 14? 14, of course, was contextually different for the kind of aspirational idea which Modi generated. Lekin after 2019, 2019 ke baad, kya karan hai that the BJP is now struggling to retain its social coalition? हाँ, ये तो सोच के बताना पड़ेगा। मुझे लगता है तीनों चुनाव में ही मोदी जी का असर काफी ज्यादा था, और पिछले जो सरकार रहे थे उनका कमियां की वजह से भी लोग काफी तंग हो गए थे, तो दोनों कंबाइन होकर बीजेपी को इतनी सफलता मिली। जैसे आई थिंक 2012 में तो उनके करीब 40-50 सीट थे, और 2017 में उन्हें 312 सीट मिले, और ये दोनों इलेक्शन में ही एक में करीब 73 सीट और दूसरे में करीब आई थिंक 63 और सीट्स मिले थे लोकसभा इलेक्शन में, तो ये भी बहुत बहुत भयानक सफलता है, और ये भयंकर सफलता है, और ये मोदी जी का असर है, और जो जो एकीकरण का जो एक उनका अभियान था वो भी सफल रहा, और जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2013 में जो उसका भी एक असर पड़ा, और जनरली ये सब मिला के आई थिंक यूपी को यूपी के जो नतीजे हुए वो ऐसे निकले। लेकिन इस बार आई थिंक एक तो कोरोना का असर है, कोरोना का प्रभाव है, और धीरे धीरे 5 साल बीजेपी के शासन के बाद ये नेचुरली ये थोड़ा कम होते जा रहे हैं, और मोदी जी के भी करीब 7 साल हो गए, तो मेरे ख्याल से अभी दूसरे मुद्दे और पुराने जो आइडेंटिटी मतलब अपना जातीय आइडेंटिटी ये सब कुछ ज्यादा ही आगे आए, और बेसिकली जातीय दृष्टिकोण से देखने से ये भी है कि 2014, 2017 और 2019 में ये जो पिछड़ी जाति में जो नॉन यादव जाति थे और दलित जाति में जो नॉन जाटव जाति थे उनका काफी समर्थन मिली बीजेपी को, क्योंकि वो कुछ तंग हो गए थे अपने पिछले जो सरकार थे वहां एक तरफा एक ही जाति को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहे थे बहुत अखिलेश जी के सरकार में और पहले मायावती के सरकार में, तो बाकी उस मैंने ग्रुप के जो बाकी कास्ट थे
वो इन एनी केस उनमें से उनसे थोड़ी सी नाराज थे। और बीजेपी ने जब विकल्प दिखाई तो वो कुछ बहुत ज्यादा पैमाने में बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन क्या ये जो अभी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रही है, इससे लगता है कि ये दोनों ही अपने नॉन नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित जो बीजेपी की तरफ गए थे, उनको खास कुछ उनके लिए कुछ खास किया नहीं गया है, उनको इतना भागीदारी भी नहीं मिली जो वो अपेक्षा कर रहे थे। मैं और इससे ही कुछ नाराजगी दिखाई दी है कि कई एमएलए जो नॉन नॉन यादव ओबीसी के पार्टी छोड़ के चले गए, और उनका कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो निर्भर करेगा उनके इंडिविजुअल प्रभाव कितना है। और प्लस सपोज यहाँ पश्चिमी यूपी में तो जब जाटों का और ये किसान आंदोलन के वजह का भी काफी प्रभाव पड़ा है, और कहा जा रहा है कि जो पुराने एक दरार आ गई थी जाटों और मुसलमानों के बीच पश्चिमी यूपी में, वो फिर से ओवरकम कर चुके हैं और पहले जैसे वो अपने आप का किसान आइडेंटिटी ज्यादा उभर कर रहे हैं। देवाशीष जी, आपकी किताब की जो समीक्षा की है उसमें मेरे को एक चीज जो बहुत खास लगी कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो राजनीतिक जो करियर था वो काफी कई दशकों तक था। 1970 के दशक में शुरू होता है और 80s और 90s तक वो रेलेवेंट रहते हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हालांकि वीपी सिंह बहुत साल तक जीवित रहे, लेकिन जो उनका जो सक्रिय पॉलिटिकल करियर था जब तक वो एक मेजर फैक्टर के तौर पे रहे वो था बेसिकली 91 तक। 1991 1991 के चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से उनका एक तरह से पॉलिटिकली वो इरेलेवेंट हो गए। तो ये जो दशक थे, इस दशक में जो राजनीति थी हिंदुस्तान की राजनीति में भी बहुत डिसाइसिव दौर थे, क्योंकि एक तरफ तो इंदिरा गांधी का टोटल कंसोलिडेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, इमरजेंसी लगाती हैं वो, उसके बाद वो हार जाती हैं, पहला गैर कांग्रेसी केंद्र में सरकार बनती है, नहीं चल पाती है, उसका एक बहुत ही अलग-अलग तरीके से उसका डिवीजन होता है, अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह चले जाते हैं, फिर इंदिरा गांधी वापस आती हैं, उनका असैसिनेशन होता है, तो बहुत उथल-पुथल की के पीरियड से। तो इस पीरियड में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सेंट्रल पॉलिटिक्स को आप किस तरह से, इन व्हाट वे वुड यू एक्चुअली सिचुएट विश्वनाथ प्रताप सिंह थ्रू ऑल दिस इयर्स ऑफ टर्बुलेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राइट फ्रॉम द 1970s टू द लेट 1980s एंड अर्ली 90s? देखिए, जनरली पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो देश की राजनीति को चार भागों में बांटते हैं। सी द फर्स्ट इज अप टू 1967, जिसको कहते हैं कांग्रेस डोमिनेंस, जी और दूसरे कहते हैं 67 टू 89, जिसको कहते हैं कि कांग्रेस डोमिनेंस विथ रीजनल पावर्स कमिंग अप इन डिफरेंट स्टेट्स। और फिर कहते हैं 89 से जो अगले 25 साल जो हुए जी उसको कोलिशन, एरा, इरा ऑफ कोलिशंस इसे कहते हैं, राइट और फिर 2014 से दोबारा वन पार्टी डोमिनेंस हुआ है। तो ये इरा ऑफ कोलिशंस लाने में वीपी सिंह का बहुत अहम भूमिका रहा। उनका विचार था कि हमारे देश बहुत ही विशाल देश है और यहाँ कई कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट हैं। यहाँ बाइपोलर या यूनिपोलर जैसे कांग्रेस पहले थी, गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता, और जितने सारे इंटरेस्ट हैं उनमें से सभी को साथ में ले जाने, अगर उनके सभी को एक पार्टिसिपेशन मिले सरकार में तो कोलिशन होना ही चाहिए, और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ आकर काम करना ही चाहिए। तो 80s में तो ये वो जो ट्रांजिशन पीरियड ही उन्होंने शुरू किए, जो कांग्रेस डोमिनेंस से
पोल्यूशन इरा लाने में उनका उनका ही मेन भूमिका रहा, क्योंकि वो उन्होंने ही पहली बार सेंटर में बाकी जितने गए कांग्रेसी दल थे सबको साथ लेकर कांग्रेस को 1989 इलेक्शन में हराया, पराजित किया। और उसके बाद से अगले 25 साल उसी तरह के सरकारें रहे। कांग्रेस जब सरकार में रही तभी भी उनको कोलिशन की जरूरत पड़ी, या नसीम राव की सरकार तो ज्यादातर समय माइनॉरिटी सरकार था, किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, और बाकी मनमोहन जी की सरकार तो दोनों बारी कोलिशन रहे, और बीजेपी की भी उस समय कोलिशन में उनको रहना पड़ा बाकी कई पार्टीज को एक साथ लेकर। तो ये ट्रांजिशन में बीपी सिंह का ही मेन भूमिका है, नॉट ओनली अहम भूमिका, दी मेन रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। Now, you have actually, when we talk about Vishwanath Pratap Singh, we essentially begin with Mandal and end with Mandal. It almost appears to most people that there is very little to VP Singh's life than the Mandal Commission, and of course, the rebellion against Rajiv Gandhi, and then forming the separate political outfit called Jan Morcha, primarily moving apart on the issues of corruption within the Rajiv Gandhi government, and then coalescing the Janata Dal, which eventually became the challenger, and establishing the National Front government. लेकिन आपने अपनी किताब में विश्वनाथ प्रताप सिंह के निजी जिंदगी के बारे में बहुत डिटेल्स दिए हैं, और एक चीज जो मेरे को दिमाग में जो पढ़ते हुए जो दिमाग में आया था, जो सोचा था कि कभी मैं आपसे मिलूंगा या आपसे जब बात होगी तो मैं पूछूंगा, कि एक फ्यूडल बैकग्राउंड से आने के बावजूद, एक दूसरे परिवार में अडॉप्ट होने के बावजूद, उनमें काफी अर्ली लाइफ में उनके ऊपर काफी सोशलिस्ट इंप्रेशंस थे, एक तरह से एक काइंड ऑफ ही वाज गवर्न्ड बाय सोशलिस्ट आइडियलिज्म। खुद पर्सनली भी उन्होंने जमीन जायदाद अपनी डोनेट कर दी, तो ये जो इंस्पिरेशन था, ये जो उनके दिमाग में जो विचार आए थे, ये कैसे और किस तरह से आए? मेरे ख्याल से दो चीज है यहाँ, दो बातें हैं। एक तो वो अपने जो खानदानी परंपरागत जो लाइफ था उससे वो बिल्कुल नाखुश थे, क्योंकि उनका वो जो एडॉप्शन हुआ था उसका उनके ऊपर काफी असर पड़ा, और वो उनका उनका जो चाइल्डहुड बचपन काफी तो कहते हैं काफी अनहैप्पी था, ना खुश थे वो पूरे अपने एडॉप्शन के बाद, और फिर बाद में दोबारा अपने पुराने फैमिली में ले गए, उसमें भी कुछ खींचतान हुआ। तो इससे उन्होंने इनफैक्ट उनकी मिसेस तो मुझे कह रही थी कि वो कई बार कह रहे थे कि मेरी गलती नहीं है कि मैं राजा परिवार में मैंने जन्म हुआ। तो वो नॉट ओनली वो उन पर असर नहीं पड़ा, उनका उन पर नेगेटिव असर करें कि वो चाहते थे कि वो इस तरह के खानदान में ना होते तो बेहतर होता। तो ये तो एक था, और दूसरा उनको ये समाजवादी विचारधारा काफी एक्सपोज हुए उस समय, और गांधीवाद भी, क्योंकि उस समय उन जब अपना हाई स्कूल में थे उसी समय अपना हमारे स्वतंत्र संग्राम एकदम अपने चरम पर थे, मैंने पीक पर था 46-47, आई थिंक 47 में जब जिस साल उनका स्कूल खत्म हुआ उसी साल देश का इंडिपेंडेंस भी हुआ। तो गांधी जी का भी बहुत असर पड़ा उन पर, और वो भी खुद उसी समय अपना खादी पहनना और वो चरखा चलाना और वगैरह वगैरह, ठंडे पानी में नहाना है, सर्दी के समय भी ठंडे पानी में नहाना, और ये सब जो मतलब राजघर में रहने वाले मैंने सोच भी नहीं सकते, उस तरह का जीवन, उस तरह का लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और अपने कॉलेज में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का बहुत असर था। इनफैक्ट वो अजीब बात है कि कांग्रेस का खास असर नहीं था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहां एक तरफ तो एबीवीपी थे जनसंघ के और बाकी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी थे
इनफैक्ट सो अगेन उन पर ये समाजवाद और सामान्यवाद पर काफी असर हुआ। तो ये दो तरफ, एक तरफ मैं अपना फ्यूडल बैकग्राउंड को से वो मतलब पर्सनली काफी नाखुश थे, और दूसरा ये सब इन्फ्लुएंसेस उन पर हुआ कॉलेज के जमाने में, तो इस वजह से वो मतलब बिल्कुल वैसे हो गए। इनफैक्ट उनका मैंने एक विचार था कि वो उनको ठाकुर कहना वो बिल्कुल ही पसंद नहीं कहते थे उनका ही है हॉरर ऑफ हिज ओन कास्ट, मैंने बीइंग एसोसिएटेड जो वो ठाकुरों के लिए कुछ करेंगे या नहीं। लेकिन उनको राजा कहा जाता है कि जब चुनाव में, लेकिन वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनते थे वो सोच समझ कर चुनते थे जहाँ ठाकुर काफी थे, तो एक तरफ से वो उनका फायदा उठाते थे, लेकिन आम अपने प्रशासन में या अपने निजी व्यवहार में वो बिल्कुल अपना ठाकुरवाद से चुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, अपोजिट इनफैक्ट उनको बिल्कुल बिल्कुल ही खराब। स्मार्ट पॉलिटिक्स अजीब सा बैकग्राउंड है, क्योंकि यूपी के लोग अपने जाति से बहुत जुड़े रहते हैं, इनफैक्ट इवन अर्बन एरिया में भी हम देखे हैं वो काफी अपना आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम लोग बंगाल में या पश्चिमी देश के पश्चिमी इलाके में उतना नहीं करते, लेकिन उनका वो मतलब क्वाइट एन एक्सेप्शन थे कि ही वाज नॉट हैप्पी विद बीइंग आइडेंटिफाइड विद हिज कास्ट, नॉट आइडेंटिफाइड विद हिज कास्ट, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहीं से चुनते थे जहां पे ठाकुरवाद होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कि स्मार्ट और प्रैग्मैटिक राजनेता थे, उनको जब हम लोग उस समय के पत्रकार लोग हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो राजा ऑफ मांडा करके रेफर करते थे, तो वो उसको डिनाई या मतलब पब्लिकली एक्सेप्ट तो नहीं करते थे, लेकिन वो कोई मैसेज या सिग्नल नहीं देते थे कि भाई मेरे को राजा साहब करके मत बुलाइए। मुझे याद है कि मतलब लोग उनको बोलचाल की भाषा में और एड्रेस करने में भी राजा साहब करके बोलते थे। तो ये डुअलिटी खैर हमको सिर्फ उनमें नहीं दिखाई देती है, इसमें एक तरह से बहुत पत्रकार बहुत राजनीतिज्ञों में दिखाई देती है, अभी भी देखने को मिलती है कि कथनी और करनी में थोड़ा बहुत फर्क थोड़ा बहुत दिखता है। वो आई थिंक दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, दिस काइंड ऑफ अ डुअलिटी व्हिच इज देयर। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे, पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात पर सही है कि वो राजा साहब उनको पुकारने से वो ऐसे मना नहीं करते थे, ना खुश नहीं होते, पसंद भी करते थे। यस, ना खुश। बाद में एक्चुअली ये भी है कि वो जब उनका मैंने युवा से मिडिल एज में पहुंचे तो उनका एक थोड़ा और न्यूआंस्ड व्यू लिए अपना फ्यूडल बैकग्राउंड का, कि वो सोचते थे कि उन एटलीस्ट वो लोग अपने जो लोग देयर पीपल हु लिव्ड अंडर देम उनका देखभाल करते थे, उनका एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड था, और उनको माने दे फेल्ट एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प देयर पीपल। तो ये आई मीन दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, माने उनको सबसे अच्छी दृष्टिकोण से देखें तो वो चीज तो है। वो जैसे पैट्रियार्की में भी कहते हैं कि वो दैट इज द बेस्ट वे, प्रोटेक्शन टू द वुमेन फोक एंड प्रोवाइडिंग फॉर द वुमेन फोक, वो भी पैट्रियार्की की एक हिस्सा है। वैसे ही फ्यूडलिज्म का भी ये एक हिस्सा है कि जो जो हाँ हम उनसे ऊंचे हैं ऊपर हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनते हैं उनका देखभाल करना, तो ये भी वो समझे थे। तो ये कुल मिलाकर इट वाज अ ड्यूअलिटी एम्बिवेलेंस जो भी आप कहें, बट हाँ बिल्कुल वो चीज तो थी। आई अंडरस्टैंड। एक चीज जो उनके करियर के बारे में आपकी किताब में से निकल के आता है कि स्पेशली 70s और 80s में भी, मतलब राजीव गांधी के साथ जो उनके जो विवाद हुए उसके पहले तक, वो एक तरह से पूरी तरह से कांग्रेस लीडरशिप के प्रति 100% लॉयल्टी में विश्वास करते थे, इंदिरा गांधी के एक तरह से बिल्कुल लॉयल सपोर्टर के तौर पे थे। तो हमको समझना पड़ेगा कि उनकी राजनीति में जो जो दौर जो शुरू होता है जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की राजनीति पर वो इम्पैक्ट करते हैं, वो शुरू होता है
जब राजीव गांधी से उनके मतभेद शुरू होते हैं, सरकार में रहते हुए सरकार के इंटरेस्ट के खिलाफ कई उनके फैसले होते हैं, और फिर अल्टीमेटली जाके कांग्रेस से वो अलग हो जाते हैं, एक नई आउटफिट बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग ऑपोजिशन गुट्स को इकट्ठा करके एक अम्ब्रेला एंटी कांग्रेस पार्टी खड़ा करते हैं, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ राइट साइड से अलायंस करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, जिसको हम लोग आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, जो उनकी जो तो अनटचेबिलिटी जो खत्म होती है, उसको 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक तरह से हम जैसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस था कि उसके किस ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था राजीव गांधी के साथ मतभेद और उनसे उनकी सरकार से अलग होने का? निरंजन जी, मैं ये दो भाग में बात करूंगा। पहले तो उनकी जिम्मेदारी ये सांप्रदायिक तत्वों को मैंने बढ़ावा देने के उस सिलसिले में मैं मेरा विचार थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं दो चीज है। एक तो मेरे ख्याल से कि 1989 पहली बार नहीं थी जब मेनस्ट्रीम पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी बीजेपी के सपोर्ट लिए, बीजेपी के जनसंघ, बीजेपी के पहले जो उनके जो पार्टी का नाम था 67 में, अगर आप देखेंगे जितने सरकार बने हर एक में जनसंघ का भी रोल, जनसंघ पार्ट ऑफ इट, और उनके लोग मिनिस्टर भी बने, और वो पूरी तरह अपना अपना आइडियोलॉजी छोड़ के वो जो नया सरकार था वो जो गठबंधन सरकार का आइडियोलॉजी उन्होंने मान लिया। सेम थिंग उन्होंने जनता पार्टी जब बना तब तो उन्होंने अपना पार्टी डिसॉल्व कर दिए और जनता पार्टी में शामिल हो गए। राइट अप टू 1987 जब देवीलाल ने की पार्टी हरियाणा में कांग्रेस को बहुत जबरदस्त हराया, उस समय भी बीजेपी उनके साथ था। लोग सोचे नहीं थे कि बीजेपी के अयोध्या के बाद ये एक दूसरे चेहरा उभर के आई है। ऐसे तो आइडियोलॉजी उनका प्रो हिंदू तो था ही, और वो तो आप से बेहतर कौन जानता होगा, आप तो पूरा उनका अध्ययन किए हैं और उन पर इतने लिखे भी हैं कि बोलवाल करके बंच ऑफ थॉट्स हो या अपना सावरकर जी के जो भी लेखक लेख रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस देवर मच मोर मैलियबल। मैंने अप टू 1992 जब उन्होंने ये जो ऑस्कर डिमोलिशन जो हुआ जिस पर आप एक पूरे किताब लिखे हैं, इट वाज अ लिटिल डिफरेंट बीजेपी, वी हैव टू एडमिट दैट। कोई सोचा नहीं था कि साइंस तो थे लेकिन इतनी इस हद तक जाएंगे वो सोचे नहीं थे। और दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक विचार था जो गलत निकला कि वो उनको कंट्रोल कर पाएंगे, वो सोचे थे कि देखिए कांग्रेस को सरकार कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए ये दोनों कम्युनिस्ट और बीजेपी दोनों ही काफी दूर तक जा सकते हैं और उनके सरकार चलते रहेगा कायम रहेगा, और लेकिन जो उनका विचार गलत रहा और वो बीजेपी को कंट्रोल कर पाएंगे, बीजेपी को बदल भी सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऑफ कोर्स इन दैट ही वाज कंप्लीटली मिस्टेकन। तो एक तो बीजेपी का ट्रेडिशन जो था वो इस तरह का नहीं था जो 1992 के बाद हम देखते हैं, और दूसरा वो सोचे थे कि बीजेपी को कंट्रोल कर पाए, बट लेकिन ओवरऑल नतीजा तो ये मानना ही पड़ेगा कि उनके वजह से बीजेपी को काफी बढ़ावा, ये तो अल्टीमेटली हिस्टोरिकली तो ये बात सच। दिस इज पार्ट वन, और पार्ट टू जो आप करेंगे राजीव गांधी की बात है, वहां तो मुझे लगता है कि राजीव गांधी लिटिल मोर सजेशियस, सोच विचार करके वो बीपी सिंह को इजिली मैनेज कर सकते थे। उनका बहुत बड़ा उनको बहुमत मिली थी 404 सीट, तो मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा ये गलती की है कि और कुछ थोड़े बहुत टैक्टफुली अगर बीपी सिंह को मैनेज करते तो ये विभाजन होता ही नहीं। मेरा ख्याल है बीपी सिंह बिल्कुल लॉयल थे और
बहुत ही लॉयल थे इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी से भी उनका लॉयल्टी पूरी तरह सक्षम था, लेकिन आफ्टर ऑल इंदिरा गांधी इज नॉट राजीव गांधी। और जब उनको ज्यादा उनको माने ही वाज बीइंग हैरेस्ट एंड ट्रबल्ड, देन नेचुरली ही रिपोर्टेड। क्या तो ये क्या जो क्या था मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो बिजनेस हाउसेस, जो बिजनेस के खिलाफ जो रेज किया गया था, मुझे पता है कि उस समय के जो बिजनेस मैगजीन्स और जो न्यूज़पेपर्स थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कई बार रेड मिनिस्ट्री भी बोलती थी, रेड राज और विश्वनाथ प्रताप सिंह, इस तरह के हेडलाइन मुझे याद है बीच बीच में, कुछ कुछ आपने भी अपने किताब में रेफर किए हैं। तो ये कितना बड़ा रोल प्ले किया था कि प्रोटेक्टिंग द नहीं, इंटरेस्ट ऑफ इसके तो बिजनेस राजीव गांधी का हाउसेस। पूरा सहमति, तो जी राजीव राजीव के पूरी तरह सहमति था। पहले राजीव भी तो कांग्रेस को क्लीन अप करना चाहते थे, वो मिस्टर क्लीन बने थे। और जब जितने इलेक्शन होते थे उसमें जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और जिनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं उनको टिकट नहीं देते थे, एटलीस्ट अपने अपने आप को मिस्टर क्लीन बोलते मैंने रूल के पहले फर्स्ट 2 इयर्स राजीव इनकरेज बीपी सिंह इन द बिगिनिंग एंड टू क्लीन अप कॉर्पोरेट इंडिया आल्सो। ये उनका डबल प्रॉन्ग अप्रोच था, एक तो लिबरलाइजेशन करेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको जी। मैंने टैक्स चोरी बंद करना है और कई तरह के जो गलत काम हो रहे थे कॉर्पोरेट इंडिया में उसको उस पर भी नियंत्रण लाना चाहते थे। ये दोनों ही चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते धीरे धीरे उनको इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस पता चला। जब बाई 1986 उनको पता चलने लगा कि ये नहीं हो पा रहा है तो वो बदल गए, लेकिन बीपी सिंह पर इसका कोई मान बीपी सिंह वो अड़े रहे वही उसी रास्ते पर। तो फिर भी मेरे ख्याल से राजीव गांधी कुड हैव मैनेज बीपी सिंह देवाशीष जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो किताब है बहुत ही डिटेल्ड किताब है और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लिटरेचर में इसकी एक बहुत अहम जगह काफी आगे के दशकों तक बनी रहेगी, इसका मुझे यकीन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी देवाशीष मुखर्जी के साथ बातचीत करके समझ में आया कि किस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो पोजीशन है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और लेगेसी में, कि किस तरह से एक परमानेंट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही उनके गहरे इम्प्रिंट दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कि इस चुनाव में दिख रहा है, ये मुद्दा जो मंडल कमीशन के फैसले से जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनिशिएट किया था, ये आगे कई दशकों तक बना रहेगा हिंदुस्तान के राजनीति में एक परमानेंट फिक्स्चर के तौर पे। शुक्रिया।